22 जनवरी को अयोध्या में श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर पूरे भारत में जश्न का माहौल है। अंबाला में भी गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में 14 जनवरी को श्रीराम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट बीपीएस प्लेटेनेरियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। यहां पर पहुंचने पर गृह मंत्री का वार्ड प्रधानों द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने सभागार में पहुंचकर भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने सभागार में बैठे लोगों को संबोधित करते हुए 14 जनवरी को होने वाली श्रीराम यात्रा के बारे में जानकारी दी, साथ ही सभी को इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अपील की। को कुर्बानियां देने के बाद भगवान राम जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति चयनित की गई है, तीन मूर्तियां बनवाई गई थी, तीन में से एक को चयनित किया है। 22 तारीख को उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, हमारे जीवन की शुरुआत राम राम से होती है और हर प्रकार का सत्कार हम राम नाम से करते हैं। आप काइयों ने मंदिर को तोड़कर वहां पर एक ढांचा बना दिया था, जिसको हटाने के लिए और भगवान राम की मूर्ति को पुनः वहां पर स्थापित करने के